हेलो गाइस, मैं हूँ अरुणा पूर्वे और आप सबका स्वागत है E24 पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार चल रहा है, तो उसी त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त हम पहुँचे हैं एक ही बहुत ही टैलेंटेड, ब्यूटीफुल और हॉट एक्टर के घर पे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नायरा बैनर्जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पर। थैंक यू सो मच अरुणा, कैसी हो तुम? बढ़िया, आप कैसी हो? एकदम टकाटक दिख ही रहा है। वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिवाली का ये त्यौहार चल रहा है, हम आपके घर पे आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्या कुछ स्पेशल होने वाला है आपसे पूछने? सी ऑब्वियसली 14 दिया जो हम करते हैं, लेकिन मैं वो बहुत शॉर्टकट में करने वाली हूँ, क्योंकि आई एम नॉन बंगाली एंड सॉरी आई एम अ बंगाली एंड इट्स लिटिल डिफरेंट। एंड हमारे दिवाली में हम लोग, आप लोग लक्ष्मी पूजा करते हो, हम लोग काली पूजा करते हैं, सो इट्स वेरी डिफरेंट। बट आज हम सिम्बोलिकली दियाज जलाएंगे एंड वी विल शो इट अराउंड। एंड या आई एम गेटिंग रेडी, सो यू कैन टेक माई गेटिंग रेडी विजुअल्स ऑल्सो। ओके, चलो लेट्स गो। सो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ एकदम फटाफट। मुझे लिटरली एक्चुअली मुझे 10 मिनट ही लगता है रेडी होने के लिए। सो आई एम रेडी, हाउ एम आई लुकिंग? ओके, बट दिवाली का सबसे खास बात ये होता है आउटफिट, तो आपके लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज के? देखो, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अच्छे सुंदर कलर्स यूज़ करूँ, एंड मुझे लिलैक कलर बहुत पसंद है और इसमें बहुत अच्छा पर्ल वर्क किया हुआ है। सो मेरे पास ये ऑलरेडी था एंड इट इज़ गिफ्टेड टू मी बाय समबडी वेरी स्वीट so I decided to wear this. बहुत ही हल्का फुल्का, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है ये, एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी क्लासी एंड लुक्स नाइस। या बिकॉज दिवाली के टाइम पे वी ऑलवेज प्रिफर हैवी आउटफिट, तो आपने बहुत ही सिंपल वे में हैवी लग रहा है वो ड्रेस, और ज्वेलरी भी हमने देखा बहुत मिनिमल रखा है, खाली इयर रिंग्स पहना है, दैट्स इट। तो क्या कुछ आपने ऐसे सोचा था कि इस बार थोड़ा दिवाली में आप सिंपल पर एलिगेंट दिखने वाले? बट यू नो वॉट, इफ़ यू सी माई स्टाइल, मैंने हमेशा अपने आप को सिंपल एंड एलिगेंट ही रखा है। मैंने कभी बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाला या फिर भारी या फिर ब्रोकेड ये सब चीज़ें यूज़ किए ही नहीं है। आई ऑलवेज यूज़ गुड कलर्स विच सूट माई कॉम्प्लेक्शन, एंड इट शुड भी हल्का फुल्का। मेरा स्टाइल स्टेटमेंट ऐसा है कि आप जो भी पूरा दिन पहन के रहो ना, उसमें आप कंफर्टेबल होनी चाहिए। द मोमेंट यू अनकंफर्टेबल, आपको स्वेट आता है, आप इरिटेड होते हो, आप अपने कपड़ों के लेके फिजिट होते हो, और अब गर्मी आपको पता है कितनी ज़्यादा है, एंड यू नो यू हैव टू बी हैसल फ्री। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कुछ हैवी और अनकंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, बट अदरवाइज मैं हमेशा बहुत हल्का फुल्का कंफर्टेबल कपड़े ही पहनती हूँ। सो दिस इज इट। और मेकअप की बात किया जाए तो अक्सर हमने सुना है कि मेकअप के नाम से आप काफ़ी फेमस हो। खतरों के खिलाड़ी में भी हमने देखा है कि मेकअप को लेकर आपको काफ़ी छेड़ा जाता था, बट इतना टाइम तो हम आई गेस लगा नहीं आपको, तो ये क्यों ऐसा लोगों ने बोला है मेकअप को लेकर आपको? वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत मेकअप करती हूँ और इसलिए इतनी अच्छी लगती हूँ। उन्होंने मुझे विदाउट मेकअप भी देखा है, लेकिन पता नहीं उनको बस चिढ़ाना है, हाँ नायरा तू मेकअप करती है इसलिए, लेकिन देखो इतना टाइम लगता है मेकअप करने के लिए। पॉइंट ये है कि मैं इतना कम बेस यूज़ करती हूँ कि वो आधे आधे एक एक घंटे के बाद वो वेयर ऑफ हो जाता है, तो मुझे टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं एक ही टाइम पे बहुत सारा मेकअप नहीं लगाती हूँ। तो उनको लगता है कि मैं बार बार मेकअप ही करती रहती हूँ, बट द ट्रूथ इज़ माई बेस इज़ सो थिन, लाइक इफ़ यू सी, मैं इतना कम लगाती हूँ कि मुझे टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है एक घंटे के बाद, क्योंकि वो सब निकल जाता है। तो अभी क्या क्या लगाया आपने? अभी तो कुछ भी नहीं लगाया, थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया, वो पहले से हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी, लिप ग्लॉस लगाया मैंने, ब्लश ऑन किया, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर किया, लाइनर किया हुआ था मैंने, इयररिंग्स वेयरिंग्स पहना, बाल बाल कंघी कर लिए, बाल ओल्डे कर लिए थे, एंड आई एम रेडी टू गो।
घर पे आके बहुत अच्छा लगा, और ये छोटा सा जो सेलिब्रेशन था दिवाली आपके साथ आपके घर पे, बहुत स्वीट और सिंपल सा था और एक्चुअली जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा, दिवाली किस तरह से आप यू नो एंजॉय करना पसंद करोगे? सो मुझे तो बहुत सारे दिवाली के इन्विटेशंस है, मैं वहाँ पे जाऊँगी, अपने दोस्तों से मिलूँगी, वहाँ का अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना खाऊँगी, दिवाली पार्टीज अटेंड करूँगी, मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अदरवाइज़ मैं पार्टीज नहीं जाती हूँ जैसे कि आपको पता है, बहुत ही कम। सो दिस इज़ माई शॉर्ट एंड स्वीट दिवाली एट होम। एंड हम लोग पंडाल जाते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं, मैं अपने मम्मी के साथ बाहर जाती हूँ, मम्मी इस वक्त घर पर नहीं है, बट वी यूजली गो आउट एंड वी विल फिगर दैट आउट। आज अभी ये छोटी सी दिवाली मनाने के बाद मैं जा रही हूँ अपने एक दोस्त के घर पे, सो वहाँ पे भी सेलिब्रेशन मैं कंटिन्यू करूँगी, बट बिकॉज यू आर एट माई हाउस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिवाली का त्यौहार जो ऐसा है, डाइट वाइज सब छोड़ देते हैं, आपको देखा है हमने खतरों के खिलाड़ी में कितना डाइट आप फॉलो कर रही थी, दिवाली के टाइम पे आप अब देख दिख ही रहा है कितना डाइट आप फॉलो कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कभी जिंदगी में डाइट फॉलो किया है? मुझे डाइट फॉलो करना आता नहीं है, मेरे को जस्ट इतना पता है कि जब मैं थोड़ा सा मेरा वेट पुट ऑन हो जाता है सीधा जिम भागो, वैसे तो हमेशा ही जिम जाना चाहिए बट मैं थोड़ी सी लेजी हूँ, मुझे बहुत डांट पड़ती है जिम जाने के लिए, बट मैं एक बंगाली हूँ और मुझे स्वीट से आई कॉन्ट कंट्रोल, यू नो आई हैव स्वीट, मुझे खाना पीना, मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, मैं कमाती हूँ ताकि मैं अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना खा सकूँ, सो इसलिए मुझे इतना पसंद है कि मैं बाहर जाऊँ, लोगों के घर जाऊँ, बहुत सारा टेस्टी खाना खाऊँ, और ये मैं रोज़ नहीं खाती बट फेस्टिवल जब आते हैं तब मैं दबा के खाती हूँ। आप लोगों को पता है अभी दुर्गा पूजा गया, उसके बाद हमारी लक्ष्मी पूजा भी थी, अभी दिवाली आ चुकी है, एंड इट्स गोना बी लाइक अमेजिंग दिवाली राइट नाउ, आई हैव रेगुलर पार्टी इनविटेशंस, मुझे पहले शूट खत्म करना है फिर सीधा पार्टी में भागना है, सो दैट्स इट। तो दिवाली का ऐसे कौन सा स्पेशल डिश है? बहुत सारे डिश होते हैं, चकली, फराल, बहुत सारे होते हैं मिठाई, तो सबसे फेवरेट आपका क्या चीज़ है? यार सब कुछ मेरा फेवरेट है, मुझे बस खिला दो, मेरे पास मेरे सामने खाना रख दो, मेरी मजा ले कि मैं टेस्ट करके ना देखूँ तो मैं तो सब कुछ खाऊंगी, एवरीथिंग इज आई लुक फॉरवर्ड टू दिस फेस्टिवल सो दैट आई कैन ईट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में मैं नहीं खाती हूँ, यही टाइम मिलता है, यही मौका मिलता है कि नायरा अब तेरी छुट्टी नहीं है, मतलब फेस्टिवल है, चुपचाप खा ले। ओके, बट अगर दिवाली की बात किया जाए तो लॉकडाउन जब आ गया था तो वो टाइम पे दिवाली उस तरह से सेलिब्रेट करना हमने सब लोगों ने बंद कर दिया था, कहीं ना कहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी एक साल तो कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था, अब धीरे धीरे वो बैक टू नॉर्मल हो रहा है, right. तो आप कितना, आपको कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली ये सब बैक टू नॉर्मल हो रहा है, दिवाली सेलिब्रेशन एंड ऑल? सी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड आई फीलिंग रियली गुड, बट जब सब कुछ नॉर्मल नहीं भी था तो भी हम लोग घर पे यू नो पूरी बनाते थे, बंगाली स्पेशलिटी जो चीज़ें होती हैं वो मम्मी और मैं दोनों मिलकर बनाते थे, इट यूज़ टू बी लाइक आर स्मॉल सेलिब्रेशन एट होम, क्योंकि हमें पता है हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम लोग सेलिब्रेशन के नाम पे ना जो भी टेस्टी टेस्टी खाना होता था सब बना डालते थे जो बंगाली स्पेशल है, सो पूरी के साथ छोले की दाल, उसमें कोकोनट की ग्रेवी, उसमें बैगन भाजा इज बैंगन फ्राई एंड टमाटर चटनी एंड सम पायस एंड एवरीथिंग, इट इज़ टू बी लाइक मुझे तो लग रहा है सुन के ही आपके मुंह में पानी आ गया चुका है, अब मैं मम्मी को बोलूँगी मम्मी यू मेक ऑल दैट, लेट्स सेलिब्रेट लॉकडाउन दिवाली। तो बचपन की कुछ मेमोरीज है ऐसे दिवाली में किस तरह से सेलिब्रेट करते थे आप? हाँ मैंने अपनी उंगली जला दी थी एज इन मैं वो चरखी चलाने की कोशिश कर रही थी और मेरे को समझ में नहीं आया, फट करके वो मेरे उंगली पे ऐसे लगा, अब तो हील हो चुका है सब कुछ बट यहाँ पे मेरा थोड़ा सा चल गया था, तब से मैं बहुत डरती थी फायर क्रैकर से, बट एंड आई ऑलवेज हेटेड लाउड साउंड, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि सारे बॉम्ब्स जो भी है वो बैन हो चुका है, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि नाना नानी ना बहुत परेशान होते थे, रस्ते के डॉगीज बहुत परेशान होते थे, सारे जानवर बहुत डर जाते थे, एंड इट्स एन अननेसेसरी साउंड व्हिच आई फील, मतलब भाम भूम करके क्या मज़ा आता है मेरे को तो समझ में नहीं आता, बट जो भी बाकी चीज़ें हम लोग चरखी चलाते थे, फाउंटेन चलाते थे, वो ये चलाते थे, हाँ सो वो सारी मेमोरीज हैं अभी भी, एंड दिस दिवाली लेट्स सी, आई ऑलवेज बिलीव्ड कि शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्यूट रखो, इन्जॉय करो, डोंट गिव टेंशन टू अदर पीपल, या फिर दूसरों को तकलीफ ना हो वो चीज़ें ना हो, एंड दैट्स इट।
तो अभी भी ऐसे बचपना ऐसे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं बचपन की आदतें आज आप करने वाले हो इस दिवाली? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखो मेरे डैड एक नेवल ऑफिसर थे, हमारे बहुत ट्रांसफ़र हुए हैं, तो बचपन से लेके अभी तक मेरे बहुत अलग अलग जगह पे दोस्त रहे हैं, एंड कुछ दोस्तों के साथ मैं कनेक्शन में नहीं हूँ, कुछ दोस्तों के साथ मैं कनेक्शन में हूँ लेकिन वो बॉम्बे के नहीं है, और जो मुंबई के हैं वो थोड़े से नॉन बंगाली नॉन हिंदू टाइप के फ्रेंड्स हैं जो दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते हैं. सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट राइट नाउ, एंड ऑल्सो यू नो आप जिसके साथ काफ़ी टाइम से बहुत सालों से दिवाली कर रहे हो उसका जो जोश होता है वो बहुत अलग होता है. सो आई लैंड अप सेलिब्रेटिंग ओनली विथ माई फैमिली, नॉट एग्जैक्टली विथ फ्रेंड्स, बट आई लव गोइंग आउट. सो नॉस्टैल्जिक भी है, एट द सेम टाइम इट्स लाइक हम कुछ ज़्यादा ही मैच्योर नहीं हो गए वैसी वाली फीलिंग भी है, बट कोई बात नहीं, फेस्टिवल है और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए. बट नायरा शूट के साथ साथ फेस्टिवल भी घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कितना आप टाइम ये मैनेजेबल होता है आपसे? सी फैमिली अंडरस्टैंड्स कि टाइम नहीं होता है, और मैं भी ये समझती हूँ कि मैं टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती अपने फैमिली को. जब मुझे वक्त मिलता है मुझे उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए. दे लुक फॉरवर्ड टू सच ओकेजन जहाँ पे मेरी छुट्टी होगी और मैं यू नो एन्जॉय करूँगी, एंड आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू दैट. सो यू नो पूरे फैमिली में जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग पे ही सारी रिलेशनशिप जो है वो बेस हो सकती है, एंड अदरवाइज इट डजंट वर्क इफ इट्स इफ देर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग, एंड दोनों पार्टी को हमेशा यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. और दिवाली की खास बात होती है शॉपिंग, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट होता है शॉपिंग, क्योंकि ऐसे त्यौहार होता है तो शॉपिंग सबसे पहले हम चले जाते हैं. तो आपने क्या क्या कुछ इस दिवाली शॉपिंग किया है? वैसे तो मैंने अपने सारे दोस्तों के लिए एक गिफ्ट्स लिए हुए हैं और मुझे भी रिटर्न में एक गिफ्ट मिला है बिकॉज मैंने खुद के लिए शॉपिंग नहीं की. सो इट ऑलवेज हैपन्स विद मी इन माई लाइफ दैट आई लैंड अप गिफ्टिंग अदर पीपल, एंड इन टर्न आई गेट गिफ्ट्स ऑल्सो. आई नेवर रियली बॉट थिंग्स फॉर माई सेल्फ, यू नो बहुत कम हुआ है ऐसा. सो गॉड हैज बीन ग्रेट. तो इस दिवाली आपके सभी फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हो और एक दिवाली विश हो जाए आप? यार मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो भाई, अच्छा हुआ बॉम्ब बैन हो चुका है, नॉइज़ पोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, एयर पोल्यूशन भी करने की ज़रूरत नहीं है. आई नो पता है दिवाली साल में एक बार आता है, बट थोड़ा कम करो, सेफ़ रहो और बाकी लोग की तरह भी ध्यान दो ताकि उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे. बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू गाइज टू इन्जॉय द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. अपने घर को खूब सजाओ और अपने अंदर की रूह को भी लाइट अप करो विद द दिवाली फील्स, एंड जस्ट स्टे सेफ, हैप्पी, इन्जॉय, एंड विश यू गाइज अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. ओके, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी दिवाली नायरा. कैमरामैन अनंतो के साथ अरुणा पुर.